तो ये देखो किस तरह से आपको दिखेगा अभी, ये उस पर आपको दिख रहा है ना चढ़ा हुआ, ये एनाकोंडा। तो ये न्यू बना है ये, क्योंकि इससे पहले भी मैं आया था तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो ये आप देखो, अगर दुनिया में सबसे बड़ा पंछी की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर नाम आता है एमो का, जो कि दो टांगों पर चलने वाला, जो कि काफ़ी यूनिक होता है। इसका वजन करीब 50 किलोग्राम और लगभग ये 5 फीट ऊंचा बताया जाता है। बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी खासा व्यवस्था है, अकॉर्डिंग टू आज से करीब 10-15 साल पीछे जाए तो बहुत सारी सुविधा जो है वो हो चुकी है, बैठने के लिए हो या पीने के लिए हो। या आप देख सकते हो एक साथ यहाँ चेयर है और इधर भी चेयर है। सो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो इस बार एक बार फिर से आप सभी के साथ में पटना जू में आ चुका हूँ और आप सबके साथ में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है अभी इस वक्त दशहरा का समय है और इस वक्त काफ़ी लोगों की जो है भीड़ देखने को मिलेगी, तो ऐसे में काफ़ी अलग ही नज़ारा होगा इस पटना जू का। सो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा कि दशहरा के समय मुझे पटना जू में आने के बाद, तो वही सारी चीज़ जो है आपके साथ में शेयर करेंगे और देखते हैं, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब आपके साथ में शेयर करते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल काफ़ी भीड़ है और शाम के करीब 5 बजने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बाकी दिनों से। इससे पहले मैं इतनी भीड़ तो नहीं देखा हूँ, आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि दशहरा का टाइम है तो भीड़ तो होगी, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है और ऐसे में बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं स्पेशल दशहरा देखने के लिए। तो इस मौके पर यहाँ जो है पटना जू एक तरह से यहाँ का एक सेंटर है, तो यहाँ पर कई लोग जो है इस मौके पर आएंगे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं वीडियो में और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, ये जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये पटना जू का न्यू स्नैक एक कंपाउंड है, मतलब पहले ये नहीं था, इससे पहले मैंने वीडियो में आपको दिखाया था तो वो पहले का था, लेकिन अभी जो है ये मेरे हिसाब से अभी नया बना है। तो अभी हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कैसा है अंदर, कुछ वाइल्ड लाइफ की तरह देखने को मिलेगा आपको, जंगल की तरह। सो पहले जो दिखाया था वो एक तरह से सिर्फ शीशे में, वो अभी भी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, ये न्यू है, मैं फर्स्ट टाइम खुद देख रहा हूँ, तो मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ अंदर चल के। So, दोस्तों ये देखो आप पीछे, मैं अंदर आ चुका हूँ और मैं आपको दिखाना चाहूँ कि ये उसी कंपार्टमेंट में, ये अलग हिस्सा एक न्यू बना है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पहले मैंने आपको क्या दिखाया था, आप इधर आओ। So, ये देखो, ये जो है ये पहले जो मैंने दिखाया था ये पहला कंपार्टमेंट है, ये अभी जो दिखा रहा हूँ मैं ये न्यू है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये है एनाकोंडा का स्पेशलिस्ट है, ये जस्ट लाइक आपको वाइल्ड लाइफ की तरह फीलिंग होगा, मतलब फॉरेस्ट में। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक पेड़ पर चढ़ा हुआ एनाकोंडा। सो ये देखो किस तरह से आपको दिखेगा अभी, ये उस पर आपको दिख रहा है ना चढ़ा हुआ, ये एनाकोंडा। तो ये न्यू बना है ये, क्योंकि इससे पहले भी मैं आया था तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो ये आप देख सकते हो, और ये इसमें इस मुर्गी को रखा गया है, पता नहीं शायद इसके भोजन के इंतजाम में। सो काफ़ी अलग है, यूनिक है, एक तरह से जंगल वाली इसमें फीलिंग है। दुनिया में सबसे बड़ा पंछी की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर नाम आता है एमो का, जो कि दो टांगों पे चलने वाला, जो कि काफ़ी यूनिक होता है। इसका वजन करीब 50 किलोग्राम और लगभग ये 5 फीट ऊंचा बताया जाता है कि ये होता है।
तो काफ़ी यूनिक ये पंछी होता है। तो नॉर्मल डे की बात करूँ अगर मैं, तो इस वक्त क्या है कि दशहरा का टाइम है, तो अब तक सबसे ज़्यादा मुझे भीड़ जो देखने को मिली है वो इस दशहरा में देखने को मिली है, क्योंकि अक्सर जो है इस दौरान बहुत सारे लोग जो है वो छुट्टी पे होते हैं। सो इसीलिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ है, क्योंकि पटना में अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं लोग घूमने के लिए जाते हैं तो वो पटना जू में ही जाते हैं। सो ये चीज़ मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है कि एज आ किसी मतलब पहले तो मैं ईद के मौके पर मैं आ चुका हूँ, लेकिन दशहरा के मौके पर मतलब ये फ़र्स्ट टाइम है। सो इसीलिए थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस है इसका, और काफ़ी भीड़ है और अच्छा भी लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ आ चुके हम अभी लकड़बग्घा के इस केज के पास। ये मेरे पीछे है लकड़बग्घा, और अभी हम देखेंगे इसमें है या नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ जंगल झाड़ और पेड़ देखने को मिल रहा है। और जो लकड़बग्घा होना चाहिए था वो तो आई थिंक मुझे देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ दूर दूर तक। आप देखो, शायद हो सकता हो वो अपने अंदर उस केज में हो, लेकिन यहाँ जो है इस जंगल झाड़ में तो नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों चलते हुए अगर आपको मज़ा लेना है तो ये सीन आपको काफ़ी पसंद आएगा। ये आप देखो, इस साइड है ये हाथी के लिए ये पूरा एरिया, और उसके जस्ट ये चीज़, तो इसके दोनों साइड में जो पेड़ जो दिया हुआ है ये काफ़ी खूबसूरत सा लगता है यहाँ पर, तो ये चीज़ काफ़ी आपको आनंद आएगा देखने में। ये तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो है एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से कंट्रोल पैनल है यहाँ का, क्योंकि इसके पीछे इसके अंदर में जो है मतलब चार जो है वो LED TV लगे हुए हैं, जिसमें कि CCTV जो कंट्रोल जो सिस्टम जो है वो यहाँ से देखा जाता होगा आई थिंक, क्योंकि मैंने अभी देखा ये ओपन था, लेकिन अभी जो है ये करीब बंद हो चुका है। सो क्योंकि अभी लगभग जो है ये क्लोज़ होने का वक्त है, तो अभी करीब शाम के 6 बजने वाले हैं। सो इसीलिए आई थिंक मुझे यहाँ लगता है कि एक तरह से एक कंट्रोल पैनल है। सो बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छी खासा व्यवस्था है, अकॉर्डिंग टू आज से करीब 10-15 साल पीछे जाए तो बहुत सारी सुविधा जो है वो हो चुकी है, बैठने के लिए हो या पीने के लिए हो। या आप देख सकते हो एक साथ यहाँ चेयर है और इधर भी चेयर है, तो बैठने के लिए हर जगह जगह पर थोड़े थोड़े प्लेसेस पे अच्छा खासा इंतज़ाम है। सो दोस्तों कभी लगभग ज़्यादा शाम ढलने वाली है, तो ऐसे तो टाइम जो होता है वो सबसे बढ़िया टाइम यही होता है, कहीं भी आप जैसे कहीं भी अगर जू घूमने जा रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ जू पे ही हो पटना के जू, इसके अलावा और भी चाहे आप दिल्ली या उत्तर प्रदेश के मतलब किसी भी अदर स्टेट में जा रहे हो, तो कोई भी अगर टूरिस्ट प्लेस जाने का सबसे अच्छा टाइम यही होता है शाम के वक्त में 4 बजे के आसपास। तो इस वक्त काफ़ी अच्छा टाइम लगता है, क्योंकि ये अच्छा खासा बड़ा होता है, और मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि एक वीडियो में जो है इसको कंप्लीट नहीं दिखाया जा सकता है, और काफ़ी मतलब लगभग 7-8 वीडियो बनाने के बाद ही ये इतना बड़ा होता है जू, कि 7-8 वीडियो भी बनाया जाए तो भी शायद कम पड़ जाता है। सो इसीलिए काफ़ी इसमें टाइम भी लगता है, वीडियो देखने में लगता है कि 15 मिनट या 20 मिनट है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा टाइम लगा हुआ रहता है रिकॉर्डिंग करने में, उसके बाद एडिटिंग करने में, तो इसी चीज़ के लिए तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लोगों की भीड़ होने के बावजूद भी इस वक्त जो है काफ़ी सन्नाटा है, तो ऐसे में आप ये देखो, ये मुझे आई थिंक लगता है कि आगे चल के इसमें भी कुछ बनने वाला है कुछ एनिमल्स के लिए, ताकि यहाँ पर रखा जा सके। अब ये तो फ्यूचर में बाद में देखेंगे कि आखिर ये क्या बन रहा है, अभी तो कुछ पता नहीं, अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है,
अब देखना ये होगा कि आखिर ये किस चीज़ के लिए बन रहा है। तो जैसे ही अगर बाद में अगर पता चलता है तो इससे भी रिलेटेड जो है वीडियो आपके साथ में शेयर करेंगे। तो बराबर जो इस तरह का जो है कंस्ट्रक्शन जो है इसमें जूम में होता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि जो चीज़ पहले वैसे ही रहेगा, तो चेंजेस होते रहता है यहाँ पर। तो ये है अभी अच्छा खासा, क्योंकि इससे पहले मैं आया था तो मुझे देखने को नहीं मिला था, हो सकता है ये इधर ही अभी स्टार्ट हुआ है। तो अब देखना होगा बाद में कि ये किस चीज़ के लिए है। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है ये चीज़ ध्यान देती रहती है कि हर समय जो है कुछ ना कुछ जो है वो नए नए लोगों को देखने को मिले, क्योंकि लोग आते ही हैं इसी चीज़ के लिए ताकि उनको एक नया चीज़ देखने को मिले। ऐसा नहीं कि वही चीज़ बार बार हो और वही चीज़ देखने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाते हैं और लगातार कुछ लोग जो आते हैं वो देखने के बाद फिर दोबारा काफ़ी समय बाद आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर गवर्नमेंट ये ध्यान देती रहती है कि ये जो जू है इसके अंदर में हर समय कुछ ना कुछ जो है वो नया देखने को मिले लोगों को, ताकि जो लोग जो हैं वो इसे देखने के लिए आए स्पेशली तौर पर। सो ये कुछ चीज़ें हैं गवर्नमेंट जो वो ध्यान देती रहती है। जिस तरह से आज इसमें इस पटना जू में जो भीड़ थी ये काफ़ी देखने के लायक थी, क्योंकि दशहरा के वक्त टाइम में इस वक्त में मैंने कभी भी मतलब जू में जो है विज़िट नहीं किया था। सो इस वक्त जो है काफ़ी भीड़ देखने को मिली। अब जो है ये तो निकलने का समय हो गया है, तो धीरे धीरे लोग जो है यहाँ से अब निकल रहे हैं, निकल भी चुके हैं। आपको मैंने पहले थोड़ी देर पहले दिखाया था तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन अब आप देख सकते हो मेरे पीछे कहीं भी आपको कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे लोग जो है यहाँ से निकल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, मुझे लगता है कि इससे पहले मैंने इतना भीड़ नहीं देखा था। सो क्योंकि एक तरह से एक पटना में अगर देखा जाए तो सबसे अगर नंबर वन पे अगर किसी को रखूँ एज अ टूरिस्ट प्लेस तो पटना जू ही आता है, उसके बाद ही कोई और चीज़ आता है, क्योंकि इसके अलावा और भी है। आपको बिहार म्यूज़ियम है, पटना ओल्ड म्यूज़ियम है, आपको और भी सारे जैसे कि गोलघर हो गए, और अब तो फिलहाल एक नया एक तरह से पटना के लिए हो चुका है टूरिस्ट प्लेस कह सकता हूँ मरीन ड्राइव, जो कि अच्छी खासी भीड़ वहाँ देखने के लिए लोगों को देखने के लिए मिलती है, तो काफ़ी भीड़ होता है वहाँ पर। तो यही चीज़ थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की, उम्मीद आप सब वीडियो पसंद आ रही होगी। सो दोस्तों यहाँ तक ही मुझे लगता है कि क्लोज़ करना होगा, क्योंकि अब जो है निकलने का टाइम हो गया है। जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर कर दी, उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद, फॉर ऑलवेज कीप वॉचिंग।